नमस्कार, आयु शक्ति में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जो हम अपनी इम्यूनिटी को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकें। और जैसे अक्सर लोग दवाइयां खा के अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जड़ी बूटियां लेते हैं, तरह तरह की आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं तब अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तरह तरह के फ्रूट्स खाते हैं, पूछते हैं कि कौन से फ्रूट्स मेरे लिए अच्छे रहेंगे या कौन सी मैं दवाई खाऊं जिससे मेरी ताकत बढ़े क्योंकि मुझे बहुत कमज़ोरी फील होती है। इस तरह की बहुत सारी बातें व्यक्ति अपने आप सोचता भी है और कहता भी है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी बिल्कुल नेचुरल जो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि जो हम नेचुरल तरीके से इम्यूनिटी बढ़ाते हैं वो अच्छी होती है और परमानेंट होती है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। और इस चीज़ को मैं आपको एक उदाहरण से समझाऊंगी। जैसे हमारे पास कार, एसी, आरओ, इस टाइप के बहुत सारी चीज़ें घर में लगी होती हैं और उन सब के लिए हमें सर्विस कराने की ज़रूरत पड़ती है। पड़ती है कि नहीं, कराते हैं ना आप? हर दूसरे तीसरे महीने कोई ना कोई ऐसी सर्विस आ जाती है कि अरे अब तो कार की सर्विस करानी ज़रूरी है, अब कोई वॉशिंग मशीन की सर्विस करानी ज़रूरी है, और या उसमें गड़बड़ आ गई है, कभी उसमें गड़बड़ आ गई है। और जब चीज़ पुरानी हो जाती है तो अक्सर उसमें गड़बड़ आती भी रहती है। तो मैं आपको ये समझाऊंगी कि हमें सर्विस कराना क्यों ज़रूरी है। जैसे हम कार की, एसी की, इनकी सर्विस करते हैं, इसलिए कराते हैं ताकि ये अच्छे से वर्क करने लगे, है ना। कार की सर्विस कराते हैं तो ताकि अच्छा सा माइलेज दे, अच्छी चले, स्मूथ चले। वॉशिंग मशीन की कराते हैं तो बढ़िया काम करे। इसी तरह से एसी की है, आवाज़ ना आए। इस तरह से हम बहुत सारी सर्विस, इसीलिए सबकी सर्विस हम इसीलिए कराते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी भी तो एक मशीन है, तो इसी तरह से ये जो मशीनरी है, इस मशीनरी की भी तो समय समय पर सर्विस होनी चाहिए, जो हम कभी भी नहीं करवाते, क्योंकि जो शरीर है ये दिन भर हमारे लिए काम करता है। हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कभी खाना खा रहे हैं, कभी चाय पी रहे हैं, कभी नमकीन खा रहे हैं, कभी कोई और अच्छी चीज़ दिखाई देगी तो उसको खाने लगे। तो हमारी मशीनरी को तो बिल्कुल आराम ही नहीं मिलता, सारा दिन हमारी मशीन काम करती है, जो शरीर रूपी मशीन है वो सारा दिन काम करती है। इस मशीनरी को ठीक करने के लिए, इसका एवरेज बढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसी चिकित्सा करनी पड़ेगी, कुछ इस तरह के प्राकृतिक चिकित्सा हमें करनी पड़ेगी ताकि हमारा जो सिस्टम है शरीर का वो प्रॉपर फंक्शन करने लगे। क्योंकि एक जब हम शरीर को आराम नहीं देते तो वो बढ़िया फंक्शन नहीं करता, है ना। कभी मोशन लूज होने लग जाते हैं, कभी एसिडिटी रहती है, या इस टाइप की दिक्कतें आने लगती हैं। जब इस टाइप की दिक्कतें आने लगें तो हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे शरीर को भी सर्विस की ज़रूरत है। तो हमें अपने शरीर की सर्विस करने के लिए उसको प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा ही हम उसकी सर्विस कर सकते हैं। तो प्राकृतिक चिकित्सा के ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, और वैसे भी मैं और वीडियो में भी बताती रहती हूँ, हर वीडियो में मैं अपने कोई ना कोई प्राकृतिक चिकित्सा बताती हूँ। तो जो भी हम प्राकृतिक चिकित्सा करते हैं वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है। डिटॉक्स करने से हमारे शरीर की सारी गंदगी बाहर चली जाती है, और उसके अलावा जो चिकित्सा हम लगातार कुछ दिनों तक करते रहते हैं तो उससे हमारी जितने भी ऑर्गन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, और स्ट्रॉन्ग होने से वो अपना काम अपने आप बढ़िया तरीके से करने लग जाते हैं। तो जैसे मैं आपको एक प्राकृतिक चिकित्सा भी दिखाऊंगी थोड़ी देर में कि इसको हमें कैसे करना है और हम अपनी अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाना है। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमें कुछ और बातों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे हम कोई मिर्च मसालों वाला ज़्यादा भोजन ना करें, मैदे से बनी हुई ज़्यादा चीज़ें ना खाएँ, ठंडी चीज़ें ना खाएँ, चाय कॉफ़ी ज़्यादा ना पिए। बहुत से लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स का बहुत ज़्यादा शौक होता है, तो वो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होते हैं। तो ये सब इस तरह के काम ना करें, या करें तो फिर बहुत कम करें, और अपने शरीर की इम्यूनिटी को देख करके करें कि आप उसे बर्दाश्त कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ें हमें खानी चाहिए, जैसे मौसम के फल हैं, मौसम की सब्जियां हैं, और चोकरदार आटे की रोटी है, ये सब हमें अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। योगासन, प्राणायाम, बाहर खुली हवा में, ताज़ी हवा में टहलना, 30 से 45 मिनट तक जाना, इस टाइप की चीज़ें हमें करनी चाहिए। तो जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर हम ये सब करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी इम्यूनिटी ना बढ़े। और नेचुरल तरीके जो भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हैं वो परमानेंटली होते हैं, परमानेंट इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। कभी भी आप ऐसा मत सोचें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप बादाम किशमिश खा लेंगे
तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, या आप बहुत अच्छी अच्छी कुछ और चीज़ें खा लेंगे कि आप सोचते हैं इसमें बहुत ताकत है, आज दूध पी लो, खजूर खा लो, लेकिन इम्यूनिटी इन सब चीज़ों से बढ़ती है। लेकिन तभी बढ़ती है जब हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले मशीनरी को ठीक करते हैं। तो मशीनरी जब हमारी, जब तक उसको अच्छा काम नहीं करेगी, इन चीज़ों को एब्जॉर्ब कैसे करेगी? तो जब इन सब चीज़ों, जब ये मशीनरी हमारी अच्छा काम करेगी और इन सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करेगी, तभी तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। इसलिए हमें वो प्राकृतिक तरीके अपनाने चाहिए जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगी वो प्राकृतिक तरीके क्या हैं। एक 8x12 का टॉवल लेंगे, अगर बड़ा है तो उसे इस तरह से डबल कर लेंगे। टॉवल रुएदार अच्छा मोटा होना चाहिए ताकि उसमें पानी कुछ रुका रहे। और एक बाउल में पानी लेंगे, गर्मियाँ हैं तो बिल्कुल ठंडा पानी, जो फ्रिज की बॉटल का ठंडा पानी होता है, ऐसा टेम्परेचर रखेंगे। और अगर सर्दियाँ हैं तो जैसे घड़े का टेम्परेचर होता है, उस तरह का ठंडा पानी हुआ लेना चाहिए लेंगे। तो देखें इसको कैसे करेंगे। इस तौलिए को इसमें डिप करेंगे, और इस तरह से इसको निचोड़ देंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्के हाथों से निचोड़ना है ताकि कुछ पानी इसके अंदर भरा रह जाए। अब नाभि को सेंटर मानते हुए इसको पूरे पेट पर फैला देंगे। 2 मिनट तक रखेंगे इसको एक तरफ से। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं, तो इस टॉवल को इस तरह से पलट देंगे। जब इधर से भी 2 मिनट पूरे हो जाएं, तो इस टॉवल को उतार देंगे और टहलने के लिए चले जाएंगे, जिससे कि स्वाभाविक गर्मी आ जाए, या जॉगिंग कर लेंगे। और अगर जॉगिंग भी नहीं कर सकते तो ओढ़ करके लेट जाएंगे ताकि जो नेचुरल गर्मी है वो वापस आ जाए। तो बाल्टी में पानी लेंगे और पानी का टेम्परेचर इतना ठंडा होना चाहिए जैसे घड़े का ठंडा पानी होता है। इसके लिए फ्रिज की बॉटल से ठंडा पानी इसमें मिक्स कर लेंगे और घड़े जैसा टेम्परेचर बना लेंगे। उसके बाद दोनों घुटनों पर 2 मिनट तक लगातार हम पानी को डालते रहेंगे। जब 2 मिनट पूरे हो जाएं, तो खड़े होकर अपने कपड़े चेंज करें और पार्क में टहलने के लिए चले जाएं। कम से कम 20 से 30 मिनट हमें पार्क में टहल कर आना है ताकि जो हमने हमारी टांगों में, घुटनों में ठंडक आ गई है, वापस से उसमें स्वाभाविक गर्मी आ जाए। ये जो घुटनों की चिकित्सा मैंने अभी आपको कराई है, तो ये चिकित्सा घुटनों और टांगों में तो आराम देती ही है, साथ में सर्दी, जुकाम, खांसी, इन सबको भी ठीक करती है। ये दोनों चिकित्सा जो मैंने अभी आपको करवाई हैं, एक पेट पे करवाई है और एक घुटने पे करवाई है, तो जो पेट के ऊपर मैंने चिकित्सा करवाई है, ये हमारे पूरे सिस्टम को ठीक करती है। हमारा लीवर, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, स्प्लीन, सभी को स्ट्रॉन्ग करती है। आते पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो जाती है, अपना काम अपने आप करती हैं। और जो मैंने घुटनों पर पानी डलवाया है, ये हमारे घुटनों और टांगों में दर्द के साथ साथ सर्दी, जुकाम, खांसी, इनको भी ठीक करते हैं। इस तरह से अगर आप देखें तो पूरी बॉडी का एक तरह से ट्रीटमेंट हो जाता है और पूरी बॉडी की इम्यूनिटी को ये दोनों ट्रीटमेंट बढ़ाते हैं। इसलिए नेचुरल ट्रीटमेंट से आप बिल्कुल फिट बने रहेंगे। आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।